एक प्रश्न है नागेश्वर प्रभु का. एपोलोजाइज फॉर अ लेंथी क्वेश्चन. पीपल प्रैक्टिस वर्ण आश्रम धर्म इन ऑर्डर टू प्योरीफाई देयर कॉन्शियसनेस. वर्ण आश्रम धर्म का लोग प्रैक्टिस करते हैं कि अपने चेतना को शुद्ध करें. गीता के श्लोक दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि कृष्ण भगवान का के पूर्ण शरण में जाना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है. सर्वधर्मान परित्यज्या 18वें अध्याय का 66वां श्लोक. दिस इज लाइक आस्किंग अ पर्सन टू रन व्हेन बोथ हिज लेग्स आर नी डीप इनटू द सैंड. नागेश्वर प्रभु कहते हैं ये तो उसी तरीके से हुआ जिसके घुटने तक वो रेत में फंसा हुआ है, उसको कह रहे हो तुम भागो. देयर माइट बी अ वे टू पुल द लेग्स आउट एंड देन रन. कोई तरीका तो हो सकता है जिससे कि हम पैर बाहर निकालें और भागें. इन कन्वर्सेशन बिटवीन चैतन्य महाप्रभु एंड रामानंद राय, महाप्रभु डिड नॉट अप्रूव ऑफ रेनाउंसिएशन ऑफ वर्णाश्रम धर्म एज इट मे नॉट ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स. महाप्रभु वेलकम्ड द सजेशन दैट पीपल शुड एसोसिएट विद प्योर डिवोटीज एंड हियर सबमिसिवली विद अ रूटीन प्रोग्राम. ये चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय जी में आपस में चर्चा हो रही है, उसके अंदर उन्होंने ये बात उठाई है कि वो अप्रूव नहीं करने के वर्णाश्रम धर्म को छोड़ दे व्यक्ति. परंतु नागेश्वर प्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने ये भी अप्रूव नहीं किया कि आदमी वर्णाश्रम में फंसा रहे. जब उनका रामानंद राय जी से के साथ संवाद हो रहा था, उसमें उन्होंने साफ कहा, जब अलग अलग सिचुएशन बताई रामानंद राय जी ने, अलग अलग चीजें बताई, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु ने कहते गए और क्या और क्या और क्या और क्या और क्या. उन्होंने किसी चीज को भी गलत नहीं कहा, परंतु उन्होंने कहा यह श्रेष्ठ नहीं है. उन्होंने ये नहीं कहा यह श्रेष्ठ है या यही करो या इसी में फंसे रहो. तो नागेश्वर प्रभु, उन्होंने क्या कहा कि यह श्रेष्ठ नहीं है, और आगे वर्णाश्रम धर्म का त्याग, और आगे कृष्ण प्रेम ही श्रेष्ठ है. त्याग श्रेष्ठ नहीं है. क्या श्रेष्ठ है? कृष्ण प्रेम जब त्याग लाता है, कृष्ण प्रेम जब त्याग लाता है, वो ही भगवान बात करते हैं. थर्ड स्टैंडर्ड छोड़नी है कि फोर्थ में जाना है, बताइए. आप लोग बात करते हो थर्ड स्टैंडर्ड छोड़ने की, फोर्थ में जाने की नहीं. छोड़ दो. नहीं 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 नहीं. अरे तीसरे को छोड़ने का मतलब नहीं कि चौथी में आ गए. सही है गलत है बताइए प्रभु जी. अगर आपने तीसरी कक्षा छोड़ दी, उसके बाद चौथी में आ गए? नहीं, चौथी में आ जाओगे तीसरा अपने आप ही. वर्णाश्रम धर्म नागेश्वर प्रभु इस कलयुग में प्रैक्टिस ही नहीं हो सकता. प्रभुपाद ने कई जगह ये कहा है, ये भी कहा है वर्णाश्रम धर्म में लाओ, परंतु ये भी कहा इट इज नॉट पॉसिबल इन कलयुग. वर्णाश्रम धर्म कलयुग में पॉसिबल ही नहीं है. क्यों? मैं तो आश्रम की बात कर रहा हूं, वर्ण की बात ही नहीं कर रहा. आश्रम ही निभाना मुश्किल. ब्रह्मचारी रहे नागेश्वर प्रभु कभी 25 साल तक? गृहस्थ आश्रम आप निभाओ और पत्नी ना निभाए तो गृहस्थ आश्रम हो सकता है? कैसे? एक हाथ से ताली कैसे बजेगी? पत्नी चाहती है पति मेरे हिसाब से चले, पति चाहता है पत्नी. हकीकत में वर्णाश्रम के हिसाब से तो पत्नी को पति के हिसाब से चलना पड़ेगा, उसका कोई लेना देना नहीं है. सॉरी, अब क्या करूं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ के हिसाब से ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन चलती है. अगर साथ में एक और सीईओ हो जाए तो क्या हो जाएगा? ओ ओ ओ, ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो जाएगा? ट्रिपल ओ है. ट्रिपल ओ बताऊं क्या होता है? आउट ऑफ ऑर्डर. हम लोग अपने होटल मैनेजमेंट के टर्म में होता है ओ ओ ओ, उसके लगाए थे दरवाजे के सामने. उसका मतलब क्या है? आउट ऑफ ऑर्डर. मशीन के सामने लगा दिया जाता है कि ऑर्डर में नहीं है. तो ट्रिपल ओ हो गया. यहां तो पत्नियों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं,
सॉरी पत्नी नहीं है, और तुम्हारी औरत से शादी हुई हुई है। परंतु औरत से शादी हो सकती है? नहीं, शादी तो पत्नी होती है प्रभु जी। तो एक मर्द और एक औरत साथ रह रहे हैं, सिंपल। नागेश्वर प्रभु, वर्णाश्रम धर्म इज मोस्ट डिफिकल्ट टू फॉलो, मोस्ट डिफिकल्ट टू फॉलो। यू थिंक द जस्ट बाई टेकिंग सेवन फेरा यू बिकम अ हस्बैंड वाइफ, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू कमिट इन योर लाइफ। पत्नी पता लगा भक्त है, पति भक्त है ही नहीं, तो मतलब आपने किससे शादी करी, किससे शादी करी? जानवर से, पशु से। अब पशु से शादी करने में वर्णाश्रम धर्म कैसे आ गया? तुम्हारे आपके माता पिता ने, आपने क्या देखा कि धन क्या कमाता है मेरा पति, मेरी लड़की का लड़का धन क्या कमाता है? भक्ति करता है, बेकार है। भक्ति करता है, बेकार है। इसके पास बे अलग कर देते हैं, कार है बे, क्या बोलते हैं, ए बे कार है। और भक्तों को क्या कहते हैं? बेकार है, बिकॉज इसके पास कार ही नहीं है। वर्णाश्रम धर्म को मजाक मत बनाओ। कई लोग लगे हैं, कई प्रभुपाद की डिसाइपल वर्णाश्रम धर्म स्टैब्लिश करेंगे, जरा मुझसे बात तो करा दो एक बार। वर्णाश्रम धर्म, इसीलिए सर्वधर्मान प्रतिज्ञा चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा है सिंपलेस्ट है। प्रभुपाद ने जो बताया कि कृष्ण की शरण में चले जाओ, क्या करो, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म के चक्कर में पड़े तो इतने नियम है प्रभु जी, इतने नियम है कि ढूंढते ही। आप बताओ, आपके बच्चा अगर असुर बन जाता है आप घर में रखोगे निकाल दोगे? हंस रहे हैं सब, क्योंकि कोई निकालेगा नहीं, नहीं निकालेगा। उसका मतलब क्या हुआ, खुद भी नहीं छोड़ते और उसको भी नहीं छोड़ते, इसका अर्थ क्या हुआ प्रभु जी? है आदित्य, क्या अर्थ हुआ इसका? भोग करने की इच्छा है, क्या करने की? भोग करने की। मैं बच्चों को भोगूंगा, बच्चे मुझे भोगेंगे, कितना मजा आएगा। तो नागेश्वर प्रभु, व्हाट चेत प्रभुपाद राइट्स इन हिज पर्पट इज एक्चुअली एप्लीकेबल फॉर दिस कलयुग। यू कैन वेरी इजिली सरेंडर इफ योर वाइफ डज नॉट, एंड द वाइफ कैन इजिली सरेंडर इफ द हस्बैंड डज नॉट, द चिल्ड्रन कैन ऑल्सो सरेंडर, वेर एज चिल्ड्रन हैव गॉट नो राइट टू डू एनीथिंग अवे फ्रॉम व्हाट देयर पेरेंट्स से। बच्चों की कोई औकात ही नहीं होती, हमारे शास्त्रों के अनुसार बच्चे जब तक कि 25 साल के नहीं हो जाते वो अपना कभी भी डिसीजन नहीं ले सकते, और 25 साल के जब वो होते हैं तब पिता 50 साल का होकर वानप्रस्थ चल जाता है, जब वो अपनी चलाता है, उससे पहले वो अपनी चला नहीं सकता, बच्चे को चलाने की कोई हैसियत ही नहीं है वर्णाश्रम धर्म में। समझ में आया प्रभु जी? वो 25 का हुआ, माता पिता 50 के हुए, हरी बोल, अब उसकी चलेगी तेरी नहीं, नहीं तो क्या होगा, जनरेशन गैप क्या होगा प्रभु जी? हो गया, सारे सॉल्यूशन अध्यात्म में हैं, अध्यात्म से बाहर कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। परंतु हम तो बुढ़ापे में नहीं ध्यान रखेगा तो कब रखेगा? वो यही इंतजार करते रहते, वो यही इंतजार करते रहते। तो इसलिए नागेश्वर प्रभु, प्लीज डोंट गेट एंटैंगल्ड इनटू दिस। प्रभुपाद वाज वेरी क्लियर अबाउट इट, एंड आई लव प्रभुपाद फॉर दैट, एंड आई रिस्पेक्ट प्रभुपाद फॉर दैट। आई हैव टेकन ऑल माय नॉलेज फ्रॉम प्रभुपाद। पीपल आर ट्राइंग टू डाइल्यूट प्रभुपाद एंड दैट इज नॉट राइट। वन कैन से आई कांट डू इट, बट डोंट से देर इज अनदर वे टू डू इट। मैं नहीं कर सकता एक बात है, इसका और भी तरीका होता है करने का, ऐसा मत बोलो।
या ऐसा नहीं हो सकता है ये भी मत बोलो, ये बोलो कि मैं कर सकता। बात तो सही है, एक्सेप्ट तो करो, एक मर्द तो बनो, एक्सेप्ट करो। इसलिए प्रभु जी ध्यान रखिएगा, नागेश्वर प्रभु इस कलयुग के अंदर एक प्लस पॉइंट यही है कि हमें प्रभुपाद जी जैसे संत मिले जिन्होंने कि हमें बता दिया रास्ता कि अगर माता पिता भी आपके भक्त नहीं है तब भी आप भक्ति कर सकते हो, पत्नी के लिए पति भक्त नहीं है तो ही पत्नी प्रैक्टिस कर सकती है, पति के लिए पत्नी नहीं है पति प्रैक्टिस कर सकता है, रिश्तेदार नहीं कर रहे नहीं कर रहे आप इंडिविजुअली भी प्रैक्टिस कर सकते हो। परंतु हाँ, प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा है कि वन शुड एसोसिएट विद प्योर डिवोटीज एंड हियर समली विद रूटीन प्रोग्राम, परंतु आपको भक्तों का संग तो करना पड़ेगा। और भक्तों का संग एक ही मतलब होता है कि उनको क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, यू हैव टू लिसन टू देम, रीड एंड लिसन, पढ़ना पड़ेगा और तो ये रूटीन प्रोग्राम में क्या है। अब आपका प्रश्न ये है, रूटीन प्रोग्राम में यही है, दीक्षा लो, क्या लो, दीक्षा, क्योंकि भक्ति शुरू किससे होती है, दीक्षा से। एजुकेशन कब प्रारंभ होती है, फॉर्मल। मेरा बच्चा ट्यूशन कर रहा है पिछले 20 साल से, वो ग्रेजुएट है, नहीं, जब तक ग्रेजुएशन पास उसके लिए फॉर्म तो भरना पड़ेगा, वो किसी क्लास के लिए एलिजिबल नहीं है, वो किसी कंपटीशन में बैठ नहीं सकता। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, वहां भी उसने उस टीचर से ट्यूशन ली, उसका सरेंडर हुआ ना प्रभु जी, घर में बैठ के रईस हैं, कई लोग अपने घर में पढ़ाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी डिवोटीज करते हैं, स्कूल नहीं भेजते बच्चों को अपने, स्वयं पढ़ाते हैं प्रभु जी, और 17 साल के अंदर PhD करा दी, कितने साल में, 17 साल। परंतु हमारे पास तो भोग करना है, बच्चे को भी भोग कराना है, इसलिए उनको भोग की जगह भेजना पड़ेगा, तो भोग करना कहाँ सीखेंगे, वृंदावन चंद्रदास के पास भेज देंगे तो क्या होगा, तो बर्बाद हो जाएंगे हमारे बच्चे, तो हैं हमारे बच्चे तो बर्बाद हो जाएंगे, ये तो भोग की जगह योग सीख जाएंगे, क्या सीख जाएंगे, योग सीख जाएंगे। और सीखना क्या चाहिए, योग या भोग, आज सारे स्कूल क्या सिखाते हैं, भोग या योग, हाँ योग विद भोग, योग विद भोग, भोग के साथ योग कैसे किया जाए ये सिखाया जाता है। तो नागेश्वर प्रभु मॉर्निंग प्रोग्राम, चांटिंग 16 माला, परंतु ये सब चीजों का इफेक्ट कब मिलेगा आपको, दीक्षा पे। डोंट वेट वाइफ हस्बैंड, ये सब वेटिंग नहीं होती है, आप नहीं वेट करते, अगर दो हस्बैंड वाइफ दोनों कमाई कर रहे हो तो हस्बैंड वेट कर रहा है, मेरे को जनरल मैनेजर की पोस्ट मिल गई है, मेरी वाइफ अभी क्लर्क है, जब वो जनरल मैनेजर बन जाएगी तब मैं भी जनरल मैनेजर बनूंगा, देखा आज तक ऐसा है नहीं। तो इसी तरीके से डोंट वेट, टेक दीक्षा, बिकम फर्म। छोड़ना क्या है, क्या छोड़ोगे, अपना ही क्या है, अपना अपना अपनाया ही क्या है। तो इसीलिए थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। हरे कृष्णा। आप किसी